हेलो दोस्तों, कुक टेस्टी विद संतोष में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के लिए राधे राधे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये हमने एक कटोरी छोले ले लिए थे। ये उबले हुए छोले हैं, ये हमने ओवरनाइट फुला दिए थे, अच्छे से फूल गए हैं छोले। इसके हम बहुत कम ऑयल में और हेल्दी टेस्टी नाश्ता बनाएंगे। इसके हम चाट बनाएंगे ठेले वाली जैसे बिल्कुल। ये हमने एक कुकर ले लिया है, उसमें ये छोले डाल दिए हैं। छोले में थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और हल्का सा नमक डाल दें और थोड़ा सा मीठा सोडा यानी खाने वाला सोडा डाल दें और इसे हम उबलने रख देते हैं छोले के लिए। इसमें दो तीन सीटी लगा लें और अच्छे से हमारे छोले उबल जाएंगे। ये एक बार चेक कर लेते हैं, छोले हमारे देखिए अच्छे से उबल गए हैं। और ये हमने एक कढ़ाई रख दी है गर्म होने, इसमें हम एक चम्मच ऑयल डालेंगे। सिर्फ एक चम्मच ही ऑयल में हमारा नाश्ता बनके तैयार हो जाएगा। इसमें हल्की सी हींग डाल देते हैं, इससे बहुत अच्छी खुशबू भी आएगी, टेस्ट भी आएगा। इस तरह से आप चाट बनाएंगे तो आप एक बार नहीं बार बार यही चाट बनाएंगे और बच्चों को तो बहुत पसंद आएगी। और इसमें हमने थोड़ा सा प्याज डाल दिया है, प्याज को हल्का सा गोल्डन कलर का कर लें। और इसमें ये छोले हमने उबाल के रखे थे वो इसमें डाल देते हैं और इससे हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही मिक्स कर लेते हैं। इसमें कुछ टेस्ट के अनुसार मसाले डाल लेते हैं। इसमें हमने लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है और काला नमक डाल दिया, पहले भी नमक डाला है, कम ही डाले इसमें। और ये हमने एक चम्मच अमचूर पाउडर डाल दिया है। अमचूर पाउडर चाट मसाला भी डाल सकते हैं, चाट मसाला और अमचूर पाउडर और गरम मसाला, ये हमने मसाले डाल दिए हैं और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये छोले बड़े बड़े हैं वो इसके हम थोड़े इससे मिक्स कर लेते हैं, इस तरह से मैश कर लें छोले के लिए। और ये देखिए एक उबाल आ जाए अच्छे से छोले, ये इसमें पानी था वो जल गया है। और ये हमने एक बाउल ले लिया है, उसमें ये छोले को हम निकाल लेते हैं और इसमें अभी हम कुछ और मसाले डालेंगे। और ये हमने टमाटर दो कट करके बारीक कट कर लिए, चॉप कर लिया, इसमें ये हम टमाटर को डाल देते हैं। और दो हमने प्याज ले लिया है, प्याज को भी इसमें हम डाल देते हैं कट करके, इसे भी पतला चॉप कर लिया है। इसमें जो भी आप डालना चाहें नमकीन वगैरह वो इसमें डाल सकते हैं। ये हमने उड़द की दाल का एक पापड़ ले लिया है, इसे भूंज लिया है, ऑयल में नहीं भूंजा है, ऐसे तवे पर सेक लिया है और इसे हम इसमें चाट में डाल देते हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और क्रिस्पी आएगा। और ये हम अच्छे से इसमें ये हम डाल देते हैं और ये देखिए। और ये हमने पापड़ी ले ली है, मैंने देखी ये पापड़ी बनाई थी वो है, आपके पास सेम वगैरह है वो इसमें डाल सकते हैं, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। खीरे ककड़ी जो भी आप डालें इसमें डाल सकते हैं। और ये हमने मीठी सॉस सॉल्ट ले ली है, इसमें 2-3 चम्मच मीठी सॉल्ट डाल देते हैं, खट्टी मीठी। और ये ग्रीन चटनी है पुदीना टमाटर और अमचूर पाउडर की, इसमें ये डाल देते हैं। हमारी ये चटनी की रेसिपी पहले से अपलोड है, आप इसे देख सकते हैं, सॉल्ट की और खट्टी मीठी चटनी की। और इसमें ये हमने आधा नींबू ले लिया है, नींबू को इसमें निचोड़ देते हैं। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। ये देखिए हमारी चाट बनके तैयार हो गई है और ये देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है चाट। आप इसमें बारीक करके ककड़ी भी डाल सकते हैं और ये चाट हमारी बनके तैयार हो गई है। ये देखिए इसे हम सर्व कर लेते हैं अभी। ये हमने चाट वाले बाउल ले लिए हैं, उसमें ये हम चाट डाल देते हैं। बिल्कुल एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें। आप एक बार घर पे बना ली तो आप बार बार यही चाट बनाएंगे, बाहर की खाना भूल जाएंगे। और बहुत आसान तरह से आपको बताइए, आई होप आप लोगों को समझ में आए। अगर कोई भी इसमें मिस्टेक हो गई है तो आप उसे हमें बताएं, पूरी कोशिश करेंगे सही करने की। और ये हमारी चाट बनके तैयार है, इसमें हमने सौंठ और हरी चटनी और प्याज कट करके दोबारा डाल दिया है और ये चाट हमारी बनके तैयार है। और ये हमने थोड़ा सा इसमें पापड़ भी डाल दिया है। इस तरह से आप नमकीन सेव वगैरह इसमें डाल सकते हैं। हमारी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं न्यू वीडियो पर। बाय।
चाट हमारी बनके तैयार है।